हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से मैं हूं साकिब उल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। आज के शो में सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा और ट्रंप इंतजामिया की कानूनी जीत और यमन के साबिक सदर अब्दुल्ला साले की हलाकत के क्याम अमन की कोशिशों पर असरात। आज के प्रोग्राम में इन मौजूदात के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान की मिडिल क्लास में इजाफा, मौके और मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है, गुर्बत, वो बहुत तेजी से गिर रही है। स्कूल जिसके क्लासरूम है खेत खलियान। We can use everything that a regular preschool uses, but out in the garden. और ब्लू वेल का तोड़ सोशल वेल। और हमने जो है उन्हीं उसी इंसान को हमने पॉजिटिव तरफ लेके आना है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे ट्रंप इंतजामिया को मिलने वाली एक अहम कानूनी कामयाबी से जिसका असर गैर मुल्की मुसाफरों पर होगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुसलमान अक्सरियती ममालिक से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी का सदारती हुक्मनामा नाफिजुल अमल करार दे दिया है। नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ हैं अपडेट्स के साथ। नदीम, क्या तफसीलात हैं अदालत के इस फैसले की? साकिब, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सफरी पाबंदियों से मुतालिक सदर ट्रंप के तीसरे हुक्मनामे को नाफिजुल अमल रखने का फैसला दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन मुल्कों से मुसाफरों की आमद पर मखसूस पाबंदियां लगाई गई हैं उनके मुसाफरों को वीज़ा हासिल करने के लिए अमेरिका में किसी शख्स या इदारे से अपना ठोस ताल्लुक साबित करना होगा। पीर को सुनाए जाने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजों ने सफरी पाबंदी के मामले में ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला दिया। ताहम आला अदालत हतमी फैसला अगले साल के अवाल में दलाल सुनने के बाद देगी। अमेरिका की कुछ रियासतों जैसे न्यूयॉर्क, मैरीलैंड और हवाई में जैली अदालतों ने इंतजामिया के सफरी पाबंदियों से मुतालिक इब्तदाई हुक्मनामों को मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से जैली अदालतों में मुकदमात की सुमात जारी रहेगी। सफरी पाबंदियों के सदारती हुक्मनामे कब कब आए और इनमें क्या मुख्तलिफ था, आइए एक नज़र देखते हैं। सदारत का ओहदा संभालने के एक हफ्ते बाद ही 27 जनवरी को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों का पहला हुक्मनामा जारी किया। इसके तहत 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफरों की पाबंदी पर आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई। पनाह गजीनों के प्रोग्राम को 120 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया जबकि शामी पनाह गजीनों की आमद पर गैर मुइना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी गई। 6 मार्च को ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों का जो तब्दील शुदा हुक्मनामा जारी किया इसमें इराक का नाम खारिज कर दिया गया था जबकि बाकी 6 मुल्कों के अमरीकी ग्रीन कार्ड्स और वीज़ा होल्डर्स को सफरी पाबंदियों से इस्तस्ना दे दिया गया। शामी पनागजीनों की आमद को इस मरतबा 120 रोज़ के लिए रोक दिया गया। सफरी पाबंदियों का तीसरा और मौजूदा हुक्मनामा 24 सितंबर को सामने आया जिसमें चाड, शुमाली कोरिया और वेनेजुएला के नाम भी शामिल कर दिए गए जबकि पाबंदियों का सामना करने वाले दीगर ममालिक से मुसाफरों की आमद को अमेरिका के साथ ठोस ताल्लुक साबित करने से मशरूत कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का शुरू से मौकिफ रहा है कि अमरीका को दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए सफरी पाबंदियाँ ज़रूरी हैं मगर अमेरिका में शहरियों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन का मौकिफ है कि इन हुक्मनामों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता गया है जो कि अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी है। जी साकिब। नदीम, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स ऑन ट्रैवल बैन। अरब दुनिया में 2010 में जमहूरियत के लिए उठने वाली लहर ने, जिसे अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है, कई दहाइयों तक हुकूमत करने वालों का इख्तदार तो खत्म कर दिया लेकिन अब भी बेशतर मुल्क बदअमनी का शिकार हैं। इन्हीं में शामिल है अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क यमन, जहां 34 साल तक हुकूमत करने वाले सदर अली अब्दुल्ला सालेह को कल उन्हीं के हलीफ उसी बागियों ने हलाक कर दिया। सालेह 1969 से 2012 तक इक्तदार में रहे। 2015 से उनकी हामी सिक्योरिटी फोर्सेस उसी बागियों के साथ मिलकर सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ रही थी लेकिन 3 रोज कबल जब सालेह ने सऊदी इत्तेहाद के साथ जंग बंदी की हिमायत की और उसी बागियों को तनकीद का निशाना बनाया तो बागियों ने भी उनके साथ इत्तेहाद खत्म कर दिया। सालेह यमन की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत थे और अरब लीग ने खबरदार किया है कि उनके कत्ल से मुल्क मजीद तबाही की तरफ बढ़ सकता है।
2015 से अब तक यमन की जंग में तकरीबन 9,000 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि करोड़ों को غذائی قلت का सामना है। सदर साले की हलाकत यमन और अरब दुनिया के लिए क्या मानी रखती है, इस पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं मशरिक वुस्ता उमूर की माहिर डॉक्टर जिलियन श्वेडलर। डॉक्टर श्वेडलर, यमन की सियासत पर इनाम याफ्ता किताब फेथ इन मॉडरेशन इस्लामिस्ट पार्टीज इन जॉर्डन एंड यमन की मुसन्नफा भी हैं। डॉक्टर श्वेडलर, वेलकम टू व्यू 360। नाउ दैट द फॉर्मर प्रेसिडेंट साले हैज बीन किल्ड, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस इन यमन? Well, it does open a possibility for a renewed peace process in that Saleh was seen as often as an obstacle because he was never going to be someone who really wanted to share peace or share power in the country. So there's a possibility, but I think in practical terms, it's unlikely to really change the prospects for peace. There's two main reasons. The first reason is because Saudi Arabia is intent on the destruction of the Houthis. And the Houthis have quite a stronghold and support base in the north. And the second reason is the country is really fragmented. It's not a two-sided war. You have secessionists in the south, you have pockets of Al-Qaeda, and others vying for power. So it would really take the Saudi Arabia and the coalition back off and be open to a federal kind of arrangement. So jahan tak Yemen mein amn ka imkan hai, to Dr. Schweidler ye kehti hain ki ek to Ali Abdullah Saleh agarche bahut ahem shakhsiyat hai lekin bahrhal wo amn ki raah mein rukawat the kyunki wo khud power hasil karna chahte the. Dusra unhone ye kaha ki jo awam hai wo bhi mukhtalif hisson mein bate hue hain, mulk ke mukhtalif hisson ka jo control hai wo mukhtalif powers ke paas hai, to isliye bhi amn hasil karna aasan nahi, aur phir ye bhi ke Saudi Arab bhi usi baaghiyon ko mukammal taur pe tabah karna chahta hai, to bahut se different players hain जो इसमें शामिल है, इसलिए अमन का इम्कान जो है, जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी नई राहें उसके लिए खुलती हैं और एक विफाकी किस्म का जो निज़ाम है वो सामने आ सकता है। सो यू सेड दैट साले वाज ऑफन सॉर्ट ऑफ लाइक ही वाज एन इम्पेडिमेंट टू द पीस प्रोसेस, व्हाट वाज ड्राइविंग हिज अलायंस विद द हूतीज? वेल, ही हैज अ वेरी पर्सनल फॉलोइंग ओवर द इयर्स, ही इज रियली allied with whomever he thought was going to be useful to him politically. He's allied in the past not only with Saudi Arabia but with jihadi extremists that he later then turned against. And so the fact that he's allied with someone, a group, the Houthis, with whom he had war for 8 or 9 years isn't surprising. He's a political animal and he looked around and he was really pushed out of the political scene, and the Houthis were an opportunity for him to weasel his way back into power. All right. So Ali Abdullah Saleh maazi mein Houthiyon ke saath 8-9 saal tak jang bhi lad chuke the, lekin unke saath is martaba jinhone alliance build kiya tha uska maqsad bhi yahi tha ki wo kisi na kisi tarah Ali Abdullah Saleh wapas iqtidar mein aane ka apne liye rasta nikal saken, kyunki Saleh maazi mein bhi apne mukhalifin ke saath ittehad qaim kar chuke hain. Unhone Saudi Arab ke saath ittehad qaim kiya aur jihadiyon ke saath ittehad qaim kiya, aur jaise ki is case mein humne dekha Houthi baghiyon ke saath bhi unka इत्तेहाद रहा था, मकसद यही था कि वो दोबारा किसी तरह खुद को इख्तदार में ला सकें। सो हूती रेबल्स एलिजिबली हैव ईरान सपोर्ट, नाउ दैट दिस अलायंस हैज अनरैवल्ड, व्हाट हैज सऊदी अरब गॉट टू गेन? इज इट द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस और नो? सऊदी अरेबिया? यस। I don't see that Saudi Arabia actually benefits from this. It's happy in some ways that Saleh is gone, although over the weekend it turned to say it was willing to talk to Ali Abdullah Saleh. In reality, I think it was just trying to play different sides and weaken the Houthis as much as possible. But I don't see it as bringing the conflict closer to a resolution, which ultimately is what Saudi Arabia would like, not that the not just to end the conflict, but to put in place a leader that would be very pro-Saudi. And I don't think this puts Yemen any closer to that situation. So agarche Houthi baghiyon ko Iran ki mubayyana himayat hasil hai aur Ali Abdullah Saleh unke saath milke kyunki unka alliance tha, to unke halakat se Dr. Schweidler kehti hain ki Saudi Arab ko bahut zyada fayda nahi hoga. Saudi Arab bhi Yemen mein istehkam dekhna chahta hai, amn dekhna chahta hai, lekin Ali Abdullah Saleh ki halakat koi bahut bada gain nahi hai. So Yemen's current president Hadi and his family are reportedly under house arrest in Saudi Arabia. How can Yemen overcome the power vacuum that it's now in? And when it comes to regional powers, what role, if any, constructive role do they have in this whole situation? Well, regional powers could play a constructive role in that they could, I mean, the Gulf states in particular have the funds to help fund a reconstruction of Yemen. But the problem is that they're not concerned with building a strong, viable Yemen so much as a pliant pro-Gulf agenda.
So I think they could play a stronger role than they could. The second issue is that it's really a multi-party conflict, as I mentioned earlier, and the Gulf and Saudi Arabia would have to acknowledge that those different power sources of power, bases of power, have a legitimate voice at the table, where what it really wants is a unified Yemen with a pliant, you know, pro-Gulf leader, rather than a Yemen that addresses multiple voices and creates Yemen for Yemenis. So, जहाँ तक यमन में पावर वैक्यूम का और को खत्म करने की बात है और वहाँ कोई क़यादत कायम करने की बात है, तो डॉक्टर श्वेडलर कहती हैं कि जो रीजनल जो ताकतें हैं, खलीजी ममालिक जो हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तामीर नौ में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनका मकसद ये नहीं है. वो ये चाहते हैं कि यमन में एक ऐसी हुकूमत आए जो खलीजी एजेंडा की हमायत करती हो, जो अरब ममालिक की हामी हो और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाए. लेकिन ज़रूरी ये भी होगा कि जो डिफरेंट पावर्स इस वक्त यमन में काम कर रही हैं, एक दूसरे से कंट्रोल हासिल करना चाह रही हैं, उन सबको ही टेबल पर लाया जाए और उन सबको ही अपनी आवाज जो है वो सामने लाने का मौका दिया जाए. डॉक्टर श्वेडलर, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड द इनसाइट दैट यू गिव अस. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. और इसराइल में अमरीकी सफारतखाने को यरूशलम मुंतकिल किए जाने के सदर ट्रंप के मुमकिन फैसले पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है. तुर्की और सऊदी अरब ने सख्त नतीज की धमकी दी है, लेकिन इसराइल ने इन तहफात को अहमियत ना देते हुए फैसले का खैर मकदम किया है. तो खबर की तफसीत आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी मौजूद हैं. और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिडिल क्लास क्या तरक्की की नवीद है या फिर मजीद मसाइल की वजह, इस पर भी रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल है. आगे चलकर और क्या खेत खलियान बच्चों के क्लासरूम्स हो सकते हैं, जवाब आज के एजुकेशन सेगमेंट में. और सबसे पहले वर्ल्ड व्यू. अक़वामे मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जेफरी फ्लिंटमैन आज से शुमाली कोरिया का 3 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं. ये अक़वामे मुत्तहिदा के किसी भी आला ओहदेदार का 6 सालों में शुमाली कोरिया का पहला दौरा है. जनूबी कोरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे से शुमाली कोरिया को इसके जोहरी अजायम से बाज रखने में मदद मिलेगी. रूस ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत 9 अमरीकी नशरियाती इदारों को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया है. रूस के मुताबिक इसका ये इकदाम अमरीका की जानिब से रूसी मीडिया पर पाबंदियों का जवाब है. अमरीका रूसी मीडिया पर सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाता रहा है. अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर का कहना है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का इर्तकाब खारिज इम्कान नहीं. उनका कहना था कि इलाके में कड़ी निगरानी के क्याम के बगैर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या को वापस न भेजा जाए. सीरा लियोन का पीस डायमंड नामी दुनिया का 14वां बड़ा हीरा 70 लाख के इब्तदाई अंदाजे से कम $65 लाख में फरोख्त कर दिया गया. सीरा लियोन की हुकूमत के मुताबिक नीलामी से हासिल होने वाली रकम को मुल्क में तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. पाकिस्तान में पिछले 20 सालों के दौरान आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही मुल्क की मिडिल क्लास भी बढ़ी है. इस वक्त 38% पाकिस्तानियों का ताल्लुक मतवस्त तबके से है. और इस तब्दीली से पैदा होने वाले मौकों और मसाइल के बारे में वाशिंगटन में माहरीन क्या कह रहे हैं, बता रही हैं सहर माजिद. हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में इजाफे से जहां मंसूबा बंदी के कई चैलेंजेस सामने आए हैं, वहीं मिडिल क्लास में इजाफे को माहरीन खुश आयन भी करार दे रहे हैं, क्योंकि इस तबके का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है. पाकिस्तान में पावर्टी जो है, गुर्बत, वो बहुत तेजी से गिर रही है और वो उसी तरह गिर रही है रफ्तार से जिस तरह के दूसरे साउथ एशियन मुल्कों में गिर रही है. तो वो जो एक टेंडेंसी होती है कि आप गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों के फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस टेंडेंसी से आप हटते हैं क्योंकि मिडिल क्लास है, उसने वोट करना है, चुनाचे आप मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर्विस डिलीवर करते हैं. तो उस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन इस बढ़ती हुई मिडिल क्लास के लिए मुलाजमतों और कारोबार के मौकों की कमी पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला है. It is a very great challenge because the issue is as those जो नौजवान कॉलेज पास करके निकल रहे हैं, उनको मुलाजमत चाहिए या कारोबार शुरू करने के मौके चाहिए, लेकिन मौके कोशिश किए बगैर पैदा नहीं होते. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें मुनज्जम तौर पर मुलाजमतों में इजाफा करना है और इस वक्त पाकिस्तान में मुलाजमतें कम और कॉलेज ग्रेजुएट्स ज्यादा हैं. बेरोजगारी का शुमार उन अवामिल में किया जाता है जो नौजवानों को दहशतगर्दी की जानिब रागिब करते हैं. अगरचे तालीम का इंतहा पसंदी के खात्मे में अहम किरदार समझा जाता है, चार्ल्स कैडबिल कहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों का दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होना हैरत की बात नहीं.
जैसे आप मतवसत तबके में आते हैं, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और इनमें से एक ऑप्शन होता है इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार करने का। पाकिस्तान की अर्बन मिडिल क्लास बहुत वसी है, उन लोगों के पास पढ़ने का, रिसर्च करने का वक्त है और ये तबका दुनिया से बाखबर है। इसलिए अगर इनमें से कुछ लोग शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर मुआशरे में होता है। 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को जिन तरक्याती और सिक्योरिटी मसाइल का सामना है उन पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन माहिरीन की नजर में ऐसा माहौल पैदा करना इंतहाई जरूरी है जिससे मिडिल क्लास के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद मिले, और यही मंसूबाबंदी के एतबार से सबसे बड़ा चैलेंज भी है। सहार माजिद, उर्दू वीओए, वाशिंगटन। और अब कुछ बात करते हैं अफ्रीका के नौजवानों की, जहां अफ्रीका से मुख्तलिफ मुल्कों से हर रोज़ बड़ी तादाद में नौजवान लीबिया जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो वहां से बजरिया कश्ती गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हो जाएं, लेकिन इनमें से अक्सर को लीबिया के हुक्काम गिरफ्तार करके मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में भेज देते हैं जहाँ हालात इंतहाई ख़राब हैं। और अब एक CNN की वीडियो में दिखाया गया है कि लीबिया में अफ्रीकी नौजवानों को बेचा भी जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। तारिकीन वतन लीबिया के दारुलहुकूमत तराबलस के डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। बहरे रूम से रेस्क्यू करने के बाद इन्हें या तो वतन वापस भेजा जाएगा या भेड़ बकरियों की तरह तराबलस में बहरिया के अड्डे पर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी तस्वीर और हालिया रिपोर्ट्स ने लीबिया की हुकूमत को जवाब देने पर मजबूर किया है। हुकूमत ने एक तफ्तीशी कमेटी तश्कील देने के लिए बराह रास्त हिदायत जारी की हैं ताकि हकीकत का पता चलाया जा सके और मुजरिमों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। लीबिया से अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट वापस आने वाले एक शख्स ने इन रिपोर्टों की तस्दीक की है कि लीबिया में लोगों को गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। जैसे ही आप लीबिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले लोग आपको ले जाकर बेच देते हैं। मगरबी अफ्रीका में चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, वो आपको सिर्फ 700 अमरीकी डॉलर्स में बेच देते हैं। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रॉन ने अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि स्मगलरों के इस नेटवर्क को खत्म किया जाए। उन्होंने इलाकाई हुकूमतों पर भी जोर दिया है कि तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त करने में वो लीबिया की मदद करें। लीबिया में इस वक्त कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं। हम वहाँ एक देरपा सियासी हल के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सालसी में सरगर्मी से काम कर रहे हैं, लेकिन लीबिया फिलहाल ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ्रीकी यूनियन कमीशन ने भी रुकन मुल्कों से मदद की अपील की है, लेकिन बहुत से अफ्रीकी इस सूरत हाल का जिम्मेदार अपनी हुकूमतों को ठहराते हैं। हमारे नौजवान मुश्किल हालात से निकलने के लिए डूब जाने तक को तैयार हैं। हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया में फंसे तकरीबन 9,000 तारिकीन वतन इस साल अपने घरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन नए लोगों की आमद का सिलसिला इसी तरह जारी है। ज़लातिसा हुक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए। हमारे हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट में आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे स्कूल में जहां नन्हे बच्चों को पूरा दिन क्लासरूम में रखने के बजाय बाहर खेतों में घूमने फिरने दिया जाता है और वहां वो पौधे जानवरों के साथ खेलते हैं, परिंदों के अंडे इकट्ठे करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो देखते हैं कि क्लासरूम के बजाय यहाँ खेत खलियानों में रहना बच्चों को तालीम देने का कैसा तरीका साबित हो रहा है। इस फार्म स्कूल में बच्चे दौड़ते भागते चीखते चिल्लाते और मौज मस्ती करते बहुत कुछ सीखते हैं। एलिसन हफ दीगर स्कूलों में भी पढ़ा चुकी हैं। वो कहती हैं कि बच्चे यहाँ अमली तौर पर सीखते हैं। जब हम पम्पकिंस पर काम कर रहे थे तो हमने इसमें गिनती भी शामिल की। हम मुतजाद अल्फाज भी शामिल कर रहे हैं, वो रंगों के बारे में वजाहत कर रहे हैं। हम हर वो चीज कर सकते हैं जो एक आम प्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन बाहर गार्डन में। इस फार्म स्कूल में बच्चों को गैर मुल्की जुबान सीखने का भी मौका मिलता है। वो सीखते हैं कि दूध कहाँ से आता है और इससे मक्खन कैसे बनता है। ये इसलिए क्योंकि फार्म के जानवर भी निसाब का हिस्सा हैं। हमने इसे वन डे फार्म का नाम दिया है क्योंकि हम हमेशा कहते थे कि एक दिन यही हमारा मकसद और ख्वाब होगा।
अचानक हमारे दोस्त और खानदान वाले यहाँ आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ये जानना चाहती थी कि गार्डन फार्मिंग क्या होती है। हमारे पास तमाम जानवर थे, वो जानवर देखना चाहते थे, वो घुड़सवारी करना चाहते थे, अंडे इकट्ठे करना चाहते थे। इस सब की वजह से ही फार्म स्कूल का आगाज हुआ। जैकलीन और केनी जेंकिंस की राय में इस तरह की खुली जगह जहाँ अमली तौर पर कुछ सीखा जा सके बहुत जरूरी है। ये देखते हुए कि हमारी सोसाइटी आज कहाँ पर है, बच्चे अपने आईपैड या आईफोन से चिपके रहते हैं, वो इस तरह सीखते हैं, वो अपने हाथों से मजीद कुछ नहीं सीख रहे। इसी रवैये की बुनियाद पर कोर्टनी विलियम्स ने अपने 3 साल बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। वो गिनती सीख रहा है, वो रंगों के बारे में जान रहा है और हर वो चीज जो उसे इस तालीमी मुकाबले में आगे रखे। और फार्म स्कूल यही चाहता है कि बच्चे यही असर लें, पूरे खानदान को सिखाया जाए और बाहर के माहौल को क्लासरूम में लाया जाए। फायजा अलमसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए। कोयटा में एक रजाकार तंजीम ने ब्लू व्हेल जैसे खतरनाक और जानलेवा गेम की जगह सोशल व्हेल के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। तो सोशल व्हेल ब्लू व्हेल से कैसे मुख्तलिफ है, इसके यूजर्स को क्या टास्क दी जाती है, आइए देखते हैं। वलीद अंसारी ने कई अफराद को हलाकत के मुंह तक ले जाने वाले गेम ब्लू व्हेल का तोड़ सोशल व्हेल से निकाला है। तो उस एप्लीकेशन पे काम शुरू किया और इसका नाम हमने सोशल व्हेल रखा है कि यानी सोशल काम करती है एक एप्लीकेशन। तो इसमें हमारा तरीकाकार भी वही ब्लू व्हेल वाला है कि ब्लू व्हेल जो है इंसान को गलत काम करने पे मजबूर करती थी, इसका माइंड सेट करती थी और हमने जो है उसी इंसान को हमने पॉजिटिव तरफ लेके आना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़िया खान। एक दफ़ा पे वलीद को सोशल व्हेल एप्लीकेशन बनाने का ख्याल उस वक़्त आया जब कोयटा ऑनलाइन नामी तंजीम ने समाजी रबते की वेबसाइट के जरिए रजाकारों को ब्लू व्हेल का मुतबादल तलाश करने का अदफ दिया। एक लाइव वीडियो के थ्रू मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड कराया कि भाई आपने अगर वाकई अपने आप को ब्रेव साबित करना है तो आप अपना कमरा साफ करें, अपना घर साफ करें, जाएं किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की तीमारदारी करें, रोड पे लोगों को क्रॉस कराए, ब्लड दे, दरख्त लगाए, परिंदों को दाना दे। तो इस तरह के सोशल चेंज के हवाले से कोई गेम होना चाहिए। सोशल व्हेल गेम की मोबाइल एप्लीकेशन में 27 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इनकी नौयत खुद को तकलीफ देने के बजाय लोगों के काम आना है। इस गेम में अपनी गली को साफ करने, गरीबों में खाना तकसीम करने, मरीजों की इयादत करने, खून अतिया करने और अपने इलाके में 5 दरख्त लगाने जैसे अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। गेम खेलने वाले के लिए अदफ पूरा करने की तस्वीर अरसाल करना अहम शराइत में शामिल है। वलीद की बीनाई कमज़ोर है, इसी वजह से वो 5वीं जमात के बाद से तालीम भी जारी नहीं रख सके, मगर घर पर ही वेब डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग का काम इंटरनेट पर ऑनलाइन सीखा। सोशल व्हेल एप्लीकेशन की तैयारी भी इसी मेहनत की कड़ी है। तक ताल्लुक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सारी मैंने घर में सीखी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, कोई मैंने प्राइवेट कोर्स पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया, सब कुछ मैंने फ्री यूट्यूब और गूगल से सीखा। वलीद के मुताबिक सोशल व्हेल एप्लीकेशन बनाने में दिन लगे, वो पुर उम्मीद है कि इस गेम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रसाई मिलेगी ताकि लोगों को ब्लू व्हेल के खतरनाक गेम से छुटकारा मिल सके। मुर्तजा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग। और ये था हमारा आज का व्यू 360। शो में शामिल रिपोर्ट्स पर अपनी राय देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu। साकिबुल इस्लाम और सारा ज़मान को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।